जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी ने आज एक बार फिर 12वीं 10वीं की जो बच्चे हैं विद्यार्थी हैं परीक्षा को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। बच्चे उत्साहपूर्वक बिना दबाव के परीक्षा दें, उत्साह से परीक्षा दें। प्रशासन आपके साथ है, मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है, प्रशासनिक अधिकारी आपके साथ है। शिक्षा जो शिक्षा क्षेत्र है उसमें आज जिला कलेक्टर श्री रोहित सिंह जी द्वारा एक बड़ी पहल करते हुए बच्चों का उत्साह बढ़ाया गया है। उनके द्वारा कहा गया है बच्चे बड़े उत्साह से परीक्षा दें, बिना दबाव के हम आपके साथ हैं। खुशी खुशी उत्साहपूर्वक सभी 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं अपने अपने जहां सेंटर बने हुए हैं बगैर दबाव के परीक्षा दें, उत्साह से दें। इसी को लेकर आज उन्होंने नरसिंहपुर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस से उन्होंने अपना बड़ा संदेश दिया है उत्साह के लिए। पूरी खबर देखें। गुरुवार से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के क्रम में 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ ये कहता हूँ कि ये मेरा सुझाव कि बिना किसी दबाव बिना किसी भले के बिना किसी एंग्जायटी के आप पढ़ाई परीक्षा दें और बिना फल की चिंता किए हुए बिना रिजल्ट की चिंता किए हुए आराम से इत्मीनान से पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के पर्याप्त समय दे करके उन सवालों को पूछ कर उनको बाकायदा उसमें देखें। ये परीक्षा ये आपकी काबिलियत को जांचने का कोई प्रयास नहीं है, आपकी सिर्फ जो सिलेबस था उसकी तैयारी को ही जानने का एक प्रयास है और यह अंत नहीं है और एक केवल माध्यम है, केवल जरिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे नरसिंहपुर के 10वीं और 12वीं के छात्र बेहद मेधावी या सक्षम और निश्चित रूप से अच्छे अंकों से पास होंगे। कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उत्साह के साथ इस प्रक्रिया का आनंद लेते हुए इस परीक्षा की प्रक्रिया का आनंद लेते हुए परीक्षा में भाग लें। और इन बच्चों के माता पिता से भी मेरी ये अपील है कि आप सब भी इसको केवल एक माध्यम माने और यही बच्चों को समझाएं और न स्वयं किसी दबाव में आए और ना ही अपने बच्चों को इस परीक्षा किसी दबाव में रहने के लिए बाध्य करें। और जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुकदाचर माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। मेरा आप सबसे बच्चों से और अभिभावकों से ही अपील है कि कर्म में ही हमारी निष्ठा हो और पूरी शिद्दत के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे समर्पण के साथ अपने निहित कर्मों को हम करते रहें और हमें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि इसका रिजल्ट कैसा होगा। हर सार्थक प्रयास हर अच्छे प्रयास अच्छे संकल्प निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट लेकर के आते हैं। मेरी आप सभी बच्चों को एक बार पूरे ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।